नमस्कार दर्शकों, आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। सूर्य गोचर परिवर्तन कर चुके हैं, वृषभ राशि में सूर्य आ गए हैं और 14 मई को ये परिवर्तन किए थे। वृषभ राशि में देवगुरु बृहस्पति पहले से ही विराजमान है, देखेंगे समझेंगे कि बृहस्पति के साथ सूर्य आने पर निश्चित तौर से अच्छा ही होता है। तो देखेंगे जानेंगे समझेंगे क्या अच्छा होगा, बने रहेगा जो बताने वाला है वो होकर ही जाता है। तो ये मकर राशि मकर लग्न के लिए ये वीडियो है। सबसे पहले मैं बिल्कुल साफ साफ शब्दों में बोल दे रहा हूँ, ये कैसे संभव है जो बता रहा हूँ मकर राशि का, वो दुनिया में जितने मकर राशि के हैं सबके साथ वैसा ही हो। अगर एक्सीडेंट बोलूंगा तो सबके साथ एक्सीडेंट ही हो, कैसे हो सकता है? वो निर्भर करता कि आपकी कुंडली में बाकी ग्रह कैसे है, उस पर भी बात होगा। तो ये मकर राशि के लग्न के लिए वीडियो है। सूर्य पहले मेष राशि में थे, अब सूर्य यहाँ पे आ गए हैं और देवगुरु बृहस्पति यहाँ पे आ गए हैं। सूर्य आठवें घर के स्वामी बने और ये बृहस्पति, ठीक है। तो 14 मई की पहले अगर देखा जाए, 14 मई की पहले सूर्य की स्थिति बहुत अच्छा था और अष्टमेश के सूर्य थे, तो मतलब यहां से ये इंडिकेट कर रहा है अचानक आपके लाइफ में एक जिसका उम्मीद नहीं था कुछ ऐसा बड़ा अच्छा हो गया अचानक, या कोई लाइफ में कोई आपके आ गया या किसी की लाइफ में आने से आपको बहुत सपोर्ट मिला, हेल्थ को लेके स्वास्थ्य को लेके बहुत अच्छा रहा, दम बच गए। यहाँ ये भी है, बहुत कुछ बुरा हो सकता था लेकिन प्रभु ने आपको बचा लिया, ये भी संकेत यहाँ पे दिखाई दे रहा है। तो ये 14 मई से पहले पहले एक महीने पहले ऐसा संकेत देखने को आपको मिला होगा मकर राशि वाले। और अब सूर्य जो है गुरु के साथ है तो अष्टम घर को सपोर्ट मिला और बारहवें घर को, अब जो होगा अष्टम घर का सपोर्ट और बारहवें घर का सपोर्ट, मतलब अब जो होने वाला है 14 मई से 15 जून तक, इसमें अचानक ऐसा होगा कि कुछ आप कोर्ट कचहरी लड़ाई झगड़े कुछ आप जीत सकते हो, कुछ लड़ाई झगड़े कोर्ट कचहरी चल रहा है उसमें आपको सफलता मिल सकता है, या कोई आपको बहुत परेशान कर रहा है तो वो अचानक आपके लाइफ में ऑटोमेटिक वो लाइफ से दूर चला जाएगा, या जो फालतू खर्चे आपके हो रहे थे वो फालतू खर्चे होने बंद हो जाएंगे, मतलब यही सब अचानक आपके साथ लाइफ में होने का बड़ा अच्छा चांसेस यहाँ पे दिखाई दे रहा है। और सबसे अच्छी बात ये है कि आपका पैसा बचेगा, इस एक महीने में पैसे बचने की शुरुआत हो चली है, पहले दिक्कत था, और परिवार से संबंधों से लेके भी चीजें अच्छी रहेंगी आपके साथ। तो यही सब है, बाकी आपके कुंडली में सूर्य कहाँ बैठे हैं कैसे बैठे हैं तो कुंडली देखने के बाद ही मालूम चलेगा। व्हाट्सअप कर सकते हैं, कुंडली दिखवाना कुछ दक्षिणा देकर के आप कुंडली भी दिखा सकते हैं। वीडियो अच्छा लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिएगा। जय हिंद, जय भारत।